नमस्कार, मेरा नाम है टैरो रीडर विनायक अस्थाना और आप मुझे देख रहे हैं एस्ट्रो लाइफ पे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका ये नया हफ्ता यानी 17 से लेकर के 23 मई तक का ये नया वीक आपके लिए आपकी राशियों के अनुसार यानी जोडियक साइंस के अनुसार कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष यानी एरीज के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है 6 of Cups का। और इस 6 of Cups के कार्ड के साथ आपको इस वीक में अपने लाइफ में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। अगर आप किसी तरीके की हेल्प की नीड में थे तो वो आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में किसी पुरानी छोड़ी हुई चीज़ को आप दोबारा उठा करके उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं और उसको और आगे बढ़ाने के बारे में भी आपका विचार हो सकता है। रिलेशनशिप्स आपके इस वीक में ग्रो करते हुए, नर्चर करते हुए और एक दूसरे का प्रॉपर ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो लोग सिंगल्स हैं वो शायद इस वीक में किन्हीं पुराने व्यक्ति के बारे में सोचने सकते हैं या उनकी यादों के साथ बहना वो देख सकते हैं। बात करते हैं वृष यानी टॉरस के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है 4 of Wands का। और ये 4 of Wands का कार्ड आपको इस वीक में बताता है कि ये वीक आपके लिए थोड़ा सा सेलिब्रेशन से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ, किस तरीके की गुड न्यूज़, किस तरीके की लोगों के साथ एकजुट होना, किसी तरीके के सोशल इवेंट को ऑनलाइन सोशल इवेंट्स में जाना, अटेंड करना, या अपने फ्रेंड्स के साथ वापस से एक नया अच्छा समय बिताना, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में किस तरीके की नई शुरुआत आप कर सकते हैं, किस तरीके के नए फाउंडेशंस लेकर सकते हैं जो कि आपको भविष्य में जा करके बेनिफिट दे। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में टॉरसेस के लिए इस वीक में 4 of Wands के साथ आपके लिए कमिटमेंट आ सकता है। वहीं बात करें तो आप अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनी के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है 2 of Wands का। और ये 2 of Wands का कार्ड आपको इस वीक में किसी नई तरीके की अपॉर्चुनिटीज़, किसी नई तरीके के मौक़ों को आपके सामने ला करके खड़ा कर सकता है या अपने जीवन में बदलाव लाने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं बात करें तो 2 of Wands का कार्ड आपके लिए बिजनेस एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में किस तरीके की नई पार्टनरशिप या किस तरीके के नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दरवाजे खोल सकता है। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में आप अपने रिश्तों को कैसे और मजबूत करें, कैसे और उनको नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट पर लेकर के जाएं, इस तरीके की चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं। वहीं बात करें तो अगर आप सिंगल हैं और अगर कहीं पर स्टक हैं तो आप आगे बढ़ने के बारे में, किसी नए व्यक्ति से मिलने के बारे में इस वीक में आपका मन या आपका विचार हो सकता है। अब बात करते हैं कर्क यानी कैंसर के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है 2 of Swords का। और ये 2 of Swords का कार्ड आपके लिए इस वीक में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स, काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को दोराहे पे खड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं, जहाँ आपको समझना है कि किस तरफ बढ़ना है, किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है अपने जीवन में। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में किस तरीके की नई शुरुआत करने से इस वीक में बचना चाहिए, क्योंकि आप किसी एक डिसीजन पर आ नहीं पाएंगे। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में आप थोड़े से अपने आप को स्टक महसूस कर सकते हैं, आपको किसी तरीके की क्या चीज़ सही है क्या गलत है उसके बीच का डिफरेंस थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, या सामने वाले की भावनाओं को आप समझने में थोड़े से असमर्थ हो सकते हैं। वहीं बात करें तो सिंगल्स इस वीक में आप अपने इस लाइफ से खुश हैं या आप किसी के साथ खुद को देखना चाहते हैं, इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल आपको अपने मन में दिखाई दे सकती है। बात करते हैं लियोज यानी सिंह के बारे में, और आपके लिए जिस वीक का कार्ड आता है वो है 10 of Wands का। और 10 of Wands का कार्ड लियोज के लिए इस वीक में थोड़ी सी मुश्किलात लेकर के आ सकता है, थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं, चीज़ों को मैनेज करने में, चीज़ों को एक साथ आगे बढ़ाने में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा एक सारी चीज़ें आपको एक साथ में करने की जरूरत पड़ेगी, और आप उन सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ने के लिए खुद को सक्षम न महसूस कर पाए। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में ये वीक लियोज के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाने में, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाने में, या ये कहाँ आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है, इस बात को लेकर के आपको थोड़ी सी शंका हो सकती है। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर इस वीक में पड़ सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ सकती हैं, तो ये हफ्ता थोड़ा लोड से भरा हुआ और थोड़ा सा स्ट्रेस से भरा हुआ आपको दिखाई दे सकता है। बात करते हैं कन्या यानी वर्गो के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है द सन का। और ये द सन का कार्ड आपको इस वीक में कॉन्फिडेंस और प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ लेकर के आता हुआ दिखाई दे सकता है। आप थोड़े से सेलिब्रेट करने के मूड में हो सकते हैं, अपनी लाइफ को खुल के जीने के मूड में हो सकते हैं। पिछले वीक्स में आप थोड़े से अगर खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे थे, तो इस वीक में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जी पाएंगे। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में किस तरीके की नई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में दस्तक दे सकती है, किसी तरीके का आप
आप अगर पुराने कहीं पर आपने कोई अपना एफर्ट डाल रखा था तो वो आपको इस वीक में किस तरीके का रिवॉर्ड लाता हो, किस तरीके की गुड लक गुड न्यूज़ लाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में आप दोनों के बीच के संबंध खुशनुमा और काफ़ी ज़्यादा खुशहाल नज़र आ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आएंगे। वहीं सिंगल्स अपनी इस बैचलर्स लाइफ को थोड़ा सा इस वीक में एंजॉय करने के लिए ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे और किस तरीके की टेंशन से खुद को दूर रखने के ऊपर फोकस करेंगे। बात करते हैं तुला यानी लीब्रा के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है टू ऑफ कप्स का यानी बैलेंस का कार्ड। तो आपकी लाइफ इस वीक में बैलेंस दिखाई देगी, आप खुद को एंजॉय करेंगे, खुद को एक जैसे हम समुद्र किनारे खड़े होकर के सूरज को डूबते हुए या उगते हुए देखना चाहते हैं, इस तरीके का आराम आप अपने जीवन में इस वक्त महसूस कर सकते हैं। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में किस तरीके के नए गोल्स को शुरू करना, किस तरीके के नए एंडेवर्स को, किस तरीके की नई जर्नी को शुरू करना इस वीक में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। वहीं बात करें तो पार्टनरशिप्स भी इस वीक में आपके लिए आ सकते हैं अगर आप इसके लिए खुद को ओपन करके आप वेट कर रहे थे। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स के लिए टू ऑफ कप्स का कार्ड प्यार को बढ़ाने वाला और रिलेशनशिप को बैलेंस रखने वाला और काफ़ी ज़्यादा वार्म खुशियों से भरा हुआ समय आपके लिए लेकर के आएगा। वहीं सिंगल्स इस वीक किसी नए व्यक्ति से मिलने के बारे में सोचेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में, किसी को कमिट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है द फूल का। और ये द फूल का कार्ड आपको इस वीक में बताता है कि आप थोड़े से केयर फ्री, थोड़े से चीज़ों को लेकर के थोड़ा ध्यान नहीं दे सकते हैं और अपने आप को अपनी लाइफ को एंजॉय करने पर ज़्यादा फोकस करेंगे। वहीं यहीं ये द फूल का कार्ड आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करा सकता है, थोड़ा सा आपको केयर फ्री महसूस करा सकता है, केयरलेस महसूस करा सकता है। इसीलिए द फूल के कार्ड के साथ आपको इस वीक में अपनी लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किस तरीके की इंजरी से बचना चाहिए, किस तरीके की मिसहैपनिंग से बचना चाहिए जो कि आपके नेग्लिजेंस के कारण हो सकती है। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में किस तरीके की नई शुरुआत आपके लिए इस वीक में हो सकती है, लेकिन द फूल के कार्ड के साथ आपको किस तरीके की नई चीज़ को बहुत सोच समझ के शुरू करना चाहिए और ये ध्यान रखें कि आप कोई भी स्टेप लें तो आगे जा करके आप गिरे ना। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में फूल का कार्ड आपको आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट की तरफ बढ़ाएगा, अपनी लाइफ को अपने पार्टनर के साथ एंजॉय या अपनी सिंगल लाइफ को अपने साथ एंजॉय करने के ऊपर फोकस करेंगे और आप किसी को कमिट करने के मूड में इस समय नहीं दिखाई देंगे। या वहीं बात करें तो जो रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं वो इस वीक में और अच्छे चलते हुए और अच्छे समय की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, पर किस तरीके की गलती करने से इस वीक में बचना चाहिए। अब बात करते हैं धनु यानी सैजिटेरियस के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है एट ऑफ कप्स का। और ये एट ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस वीक में थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करा सकता है, थोड़ा सा लो फील करा सकता है, यानी आप अपनी लाइफ में थोड़े से लॉस्ट भी महसूस कर सकते हैं। चीज़ें उस तरीके से नहीं टर्न अप हो सकती हैं, चीज़ें का रिजल्ट उस तरीके से नहीं आ सकता है जैसा आप चाहते थे, और ये समय है कि उन चीज़ों से आप आगे बढ़ें जो चीज़ें आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रही हैं। कोई प्लान, कोई प्रोजेक्ट, कोई रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में समय नहीं काम कर रहा है उससे आगे बढ़ना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में आप अपनी रिलेशनशिप के जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है उससे थोड़े से असंतुष्ट दिखाई दे सकते हैं, अपने पार्टनर से असंतुष्ट दिखाई दे सकते हैं। इसी तरीके की असंतोष से आगे बढ़ने की ज़रूरत है और अंडरस्टैंडिंग लाने की इस वीक में आपको ज़रूरत महसूस हो सकती है। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में आप कुछ किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर करने की तरफ ध्यान देंगे, आप पुराने जिन चीज़ों को थोड़ा सा निगलेक्ट करके नए चीज़ों को एक्सप्लोर करने के ऊपर, नई चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हुए इस वीक में नज़र आ सकते हैं। वहीं बात करें मकर यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में, तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है क्वीन ऑफ कप्स का। और ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस वीक में बताता है कि आप लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक, काफ़ी ज़्यादा उनकी फीलिंग्स को समझने की तरफ ध्यान देंगे, अपनी फीलिंग्स को भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर आप कुछ चीज़ें अंदर स्टोर करके बैठे थे और नहीं कह पा रहे थे तो वो आप इस वीक में कहते हुए करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में क्वीन ऑफ कप्स के साथ इमोशंस का प्ले इस वीक में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे सकता है, यानी थोड़े से इमोशंस हावी हो सकते हैं, इसलिए इमोशंस को कंट्रोल करना इस वीक में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए महसूस हो सकता है। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में किस तरीके की नए ग्रोथ की तरफ, किस तरीके के नए जो आपका जिस अपॉर्चुनिटी का आप इंतज़ार कर रहे थे, जो कि आपको की दिली ख्वाहिश थी, उसको आप पाते हुए इस वीक में नज़र आ सकते हैं।
बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है एस ऑफ सोर्ड्स का। और ये एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस वीक में एक नई स्ट्रेंथ, एक नया डिटर्मिनेशन, एक नया पैशन लेकर के आएगा। आप किस तरीके की कम्युनिकेशन का, किस तरीके की न्यूज़ का वेट कर रहे थे, तो वो आपके लिए इस वीक में इस एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ आ सकती है। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में आप अपने लाइफ के अंदर एक नया स्पार्क महसूस करेंगे, एक नई जोश, एक नई एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर के, और संतोष भी आपके अंदर दिखाई दे। तो बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है एस ऑफ सोर्ड्स का। और ये एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस वीक में आपके लाइफ में एक नए तरीके का पैशन, एक नए तरीके का स्ट्रेंथ, एंथुजियाज्म यानी आपके अंदर एक नया जोश, एक नया एनर्जी आपको इस वीक में महसूस हो सकता है। वहीं बात करें तो ये सब सोच का कार्ड आपको इस वीक में आपके लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में एक नई तरीके की उम्मीद, एक नई तरीके का नई शुरुआत आपके लिए हो सकती है। आप रिलेशनशिप को और सीरियसली उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में क्लियरली सोच सकते हैं कि आप आगे इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरीके का कम्युनिकेशन का वेट अगर आप कर रहे थे तो वो आपको इस वीक में होता हुआ एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ दिखाई दे सकता है। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में आपको कोई ऐसी न्यूज़ जिसका आप थोड़ा सा आप सुनना चाह रहे थे आपके बिजनेस से लेकर के, या करियर से रिलेटेड, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसका आप पाना चाहते थे, तो वो आपके लिए इस वीक में आती हुई दिखाई दे सकती है। और इसीलिए आपको इस वीक में थोड़ा सा अपने आप को, अपनी सेंसेस को ओपन करके रखना चाहिए। अब बात करते हैं मीन यानी पाइसिस के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है किंग ऑफ कप्स का। और ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपको दिखाता है कि आप अपने लाइफ में इस वीक में थोड़ा सा इमोशनली अवेलेबल नहीं हो सकते, अपनी आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं आपको कंट्रोल कर सकती हैं। वहीं बात करें तो ये आपको इतना कंट्रोल करेंगी कि आप शायद सही गलत का फर्क भी थोड़ा सा भूल जाएं। वहीं इसीलिए आपको ये देखने को मिलेगा कि लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में आप खुद को अपनों से दूर होता हुआ महसूस कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप से दूर होता हुआ, या उससे इंटरेस्ट आपका उठता हुआ आपको इस वीक में दिखाई दे सकता है। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में किस तरीके का डिसीजन मेकिंग इस वीक में हो सकता है, लेकिन आपके इमोशंस क्योंकि आपको ओवरराइड कर सकते हैं, इसलिए आप इस तरीके के गलत निर्णय ले सकते हैं। तो इसीलिए आपको इस वीक में अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। किंग ऑफ कप्स के साथ इमोशंस पर कंट्रोल आपको इस वीक में दिखाई देता है। वहीं आप वाइज और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी आपको इस वीक में बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इस तरीके से आपने जाना कि कैसे आपकी 12 राशियों के अनुसार, आपके 12 जोडियाक साइंस के अनुसार आपके लिए ये नया हफ्ता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे बोलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।